स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या फैक्टराइज वाला। और ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हमने हाईएस्ट पावर 3 में नहीं, स्क्वायर में किया था। मतलब हाईएस्ट पावर जहां पर 2 थी, दो तरीके से किया था, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट से और एक कंपेयर करके। कंपेयर किसके साथ किया था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के साथ। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ पे क्यूब है, तो हमको क्यूब से नहीं घबराना, क्योंकि हम क्यूब की एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की भी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। मैं एक बार आइडेंटिटी लिखूंगा, उसका कारण समझना। पहले आइडेंटिटी देखो, हमने एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसी आइडेंटिटी को एक तरीके से और लिख सकता हूं, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह वाई क्यूब प्लस, मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 3xy पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर y से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 3xy की x से मल्टीप्लाई करूं तो देखो x और x कितनी बार हो गए, दो बार, तो x इंटू x एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं y इंटू y वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 3y स्क्वायर x। तो हम इस आइडेंटिटी को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, मतलब दोनों का एक ही है। इसमें इस ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा दिया है। सेम फंडा हमारा माइनस वाले के साथ, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब भी क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी प्लस नहीं माइनस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। इसको जरा ध्यान से देखना, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह माइनस वाई क्यूब। अगर मैं 3xy की एक्स में मल्टीप्लाई करूं, ये माइनस है प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब देखना माइनस इंटू माइनस, यहां पर प्लस लगेगा, और वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या होता है अंतर, इसमें तो सब कुछ प्लस में है, इसमें स्टार्टिंग के दो माइनस में, बाद में प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इन दो चीजों को ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, देखो हमें बोला है इसको फैक्टराइज करना है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो हम वही लिखेंगे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग नहीं कंपेयर, कंपेयर दिस विद आइडेंटिटी। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, x प्लस वाई होल क्यूब के साथ, जिसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस, मैं नीचे वाली लिखूंगा इस बार, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब यहां पर भी हमको क्यूब में दिया है, प्लस वाई क्यूब क्यूब में प्लस 3 इंटू, अब देखो मैं ब्रेक कैसे करता हूं, ब्रेक करना देखना, मैं 8a क्यूब को एक्स क्यूब के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको बच्चों लिख सकता हूं 2a का होल क्यूब, देख के बताओ 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब प्लस y को रिप्रेजेंट कर रहा है b, तो यहां लिख दिया मैंने b का होल क्यूब प्लस, अब देखो 3 इंटू एक्स किसको माना है मैंने 2a को, और इसका यहां पे स्क्वायर दिख रहा है आपको, और y की जगह b है प्लस 3y स्क्वायर, y क्या है यहां पे हमारा b, b का स्क्वायर, और x की वैल्यू है हमारी 2a। अब ध्यान से देखो 2a का होल क्यूब खोलूंगा तो मैं 8a क्यूब बन रहा है, देखो 2 का क्यूब 8 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 3 जा 12 a स्क्वायर b, इसी तरह देखो 3 2 जा 6 और यहां पे b स्क्वायर और a, तो मैंने बी स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल हमने इसको ब्रेक करके इसके साथ लिख दिया, तो अगर हमने इसके साथ कंपेयर किया है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि एक्स, इसको हमने एक्स प्लस वाई की फॉर्म में पूरा खोला था, एक्सपेंड किया था, लेकिन इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी तरह एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2a, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है b, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, और होल क्यूब का मतलब है कि तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमें तो फैक्टर निकालने थे ना, तो तीन फैक्टर हो गए 2a प्लस b, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ये हमारे तीन फैक्टर हमारे सामने। तो बहुत सिंपल है, खाली कंपेयर करके दिखाना है, और एक स्टेप के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो माइनस दिख रहा है तो आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, कंपेयर दिस, और क्यूब भी दिख रहा है साथ में, कंपेयर दिस विद आइडेंटिटी, विद आइडेंटिटी। इस बार माइनस वाली लगा दो, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होती थी बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस
3xy + 3xy2, क्योंकि माइनस क्योंकि बताया था ना पहले, देखना इससे जो मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसी चीज को लिखा है। तो एक बार दिखा भी देता हूं, देखो ये रहा, यहां से एक स्टेप बताया था ना मैंने सोल्व करके, ये कोई बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो चलो अब इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 8a³ को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं 2a³। -b³ को क्या लिख सकता हूं, b³। यहां पे साइन माइनस का, 3x को रिप्रेजेंट करवाया हमने 2a से, तो 2a² और y को b से, प्लस 3 x को रिप्रेजेंट कर रहा है 2a से और y को b²। अब देखो 2a³ खोलोगे तो 8a³, -b³, 2² 4, 4³ 12a²b, और 3² 6, a और b का स्क्वायर 6ab²। बिल्कुल ये हो गया, इसको हमने थोड़ा इस तरह ब्रेक कर दिया। और हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 2a, और y को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है -b³। ठीक है, और होल क्यूब का मतलब आप सब प्यारे से जानते हो कि ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a - b, 2a - b, 2a - b। तो हमको फैक्टर निकालने थे, हमने कर दिया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ये रहा। अब देखो थर्ड पार्ट में भी माइनस माइनस है, तो हमको एक्स माइनस वाई के साथ ही कंपेयर करना होगा। तो लिखेंगे कंपेयर दिस विथ आइडेंटिटी। कौन सी बच्चों, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, आपको ये चीज जरूर लिख के दिखानी है, इज इक्वल टू x³ - y³ - 3x²y + 3xy²। चलिए अब हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 27 क्या होता है बच्चों, ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है, -125a³ है, ये होता है 5a³। अब देखो -3x को रिप्रेजेंट किया है 3 से, तो 3² और y को 5a से, प्लस 3 × x है हमारा 3 और y है हमारा 5a²। अब देखो एक बात बताता हूं, 3 का क्यूब 27, माइनस का साइन, 5 का क्यूब 125a³, माइनस का साइन, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 135 है, प्लस का साइन, 3 × 3 = 9। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 × 9 = 225a². तो बिल्कुल हमने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया है। और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख देंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब, x को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और y को रिप्रेजेंट कर रहा है 5a, तो 3 - 5a³। और क्यूब का मतलब है कि ये नंबर हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई साहब हमें क्या शर्म आ रही है, लू कर दिया 3 बार मल्टीप्लाई, यही हमारे फैक्टर हो गए इसके। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 64a³ - 27b³ - 144a²b + 100ab²। भाई माइनस है तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस विद आइडेंटिटी, कंपेयर दिस विद आइडेंटिटी, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, x³ - y³ - 3x²y + 3xy², यही होता है, बहुत बढ़िया, यही होता है। तो यहाँ पे 64 क्या होता है, सबसे मेन बात, अब मैं 64 a को लिख सकता हूँ, a क्यूब को लिख सकता हूँ 4a³, क्योंकि 4 का स्क्वायर 64, -27 किसका होता है, -3b³। अब देखो -3 × x², x 4a है तो 4a² और y हमारा 3b है, बहुत बढ़िया, प्लस 3 × x हमारा 4a है और ये 3b² अब देखो भाई 4a³ खोलोगे 64a³, माइनस का साइन, 3b³ खोलोगे 3 का क्यूब 27b³, माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर 64, और देखो 3 × 3 = 9, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144a² और यहां पे b एक बार, प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर 9 और 4 × 3 = 12, 12 × 9 = 108, a एक बार है और b का स्क्वायर। बिल्कुल हमने इसको इसमें ब्रेक किया है। और अगर इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x - y³, x को रिप्रेजेंट कर रहा है 4a और y को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 - 3b³। और होल क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये नंबर हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत इजी है क्वेश्चन करना, जितना बड़ा और डरावना क्वेश्चन उतना सिंपल सॉल्यूशन, आपके सामने है लाइव एग्जांपल। चलो लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, 27p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p। देखो माइनस माइनस है, क्यूब की भी बात है, तो इसके साथ ही कंपेयर करना होगा, कंपेयर
दिस विद आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो कंपेयर करना स्टार्ट करो। 27 क्या होता है बच्चों, 27 थ्री पी का होल क्यूब, देखो 27 का क्यूब 20, वो 3 का क्यूब 27 और पी का क्यूब पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, 6 6 36 6 6 206, तो 6 का होल क्यूब, देखो 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216 माइनस का साइन माइनस। अब देखो कंपेयर करना, 3 इंटू एक्स को रिप्रेजेंट किया हमने 3p स्क्वायर और y को रिप्रेजेंट किया 1/6 से, प्लस का साइन 3 इंटू एक्स मतलब 3p और y मतलब 1/6 का स्क्वायर। अब देखो 3p का क्यूब खोलो 27p क्यूब माइनस का साइन 1 का क्यूब 1 6 का क्यूब 216 माइनस का साइन। अब देखो 3 से ये 6 कट जाएगा 2 टाइम्स और देखो तो नीचे 2 है और 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर। बिल्कुल देखो मैं इसको बताता हूं इस चीज को, ये क्या लिखा है, लिखा है 3 इंटू 3p स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर मैंने ब्रेकेट खोला इंटू 1/6, तो 3 से तो 6 कट गया 2 टाइम, तो क्या बचा 9p स्क्वायर बाय 2, 9p स्क्वायर बाय 2। सेम इसी तरह ये लिखा है हमारा 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36। 3 से कटा 12 टाइम, 3 से कटा 4 टाइम, तो क्या बचा p इंटू 1 1/4p, देखो 1/4p, तो इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से हमने इसके साथ कंपेयर कर दिया। बस तो कंपेयर कर दिया, तो x को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 3p और y को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है माइनस 1/6 का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बोला जितना खतरनाक, सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना खतरनाक देखने में उतना सिंपल सॉल्यूशन। क्वेश्चन कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वीडियो को दोबारा देखना और पॉज करके हर चीज को नोट डाउन करो। आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, जब करने की बारी आती है एक आधी मिस्टेक हो जाती है, तो वीडियो को एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया, पॉज करो नोट करो फिर आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।